हमने पिछले दो क्लासेस से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट स्टडी कर रहे हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हमने क्या स्टडी किया था कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता क्या है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इंटरेस्ट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये किया जाता है। फिर हम फेयर प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमने निकाला था, और फिर उससे ज्यादा प्राइस हो या उससे कम प्राइस हो तो उस पर आर्बिट्रेज किया जा सकता है, इसकी वैल्यूएशन हमने किया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किया था। आज एक और क्वेश्चन करेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे बेस्ड। अब वह क्वेश्चन नंबर है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। रेट एग्रीमेंट, तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हमने कैलकुलेट किया था वन फेयर प्राइस कैसे, वन प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ लोअर रेट, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ लोअर रेट वन प्लस एफ आर ए 12 इंटू पीरियड वन प्लस लॉन्गर पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ लोअर पीरियड कहा जा सकता है, यहां पे लोअर पीरियड पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड। इस तरह करके हमने क्या कैलकुलेट किया था, फॉरवर्ड रेट निकाला था। और रेट से ज्यादा हो, रेट से कम हो, फेयर रेट से ज्यादा हो प्राइस या फेयर रेट से कम हो प्राइस, तो उस केस में आर्बिट्रेज किया जा सकता है। ये आर्बिट्रेज की प्रोसीजर हमने बनाया था। अब उसी पे बेस एक क्वेश्चंस करते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर टू है और उस क्वेश्चन नंबर टू को हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू यह क्वेश्चन नंबर टू है। द फॉलोइंग मार्केट डाटा आर अवेलेबल मीबोर पीरियड 3 मंथ 8.5%, 3 मंथ के लिए आप इंटरेस्ट लेते हैं तो 8.5%, 6 मंथ के लिए लेते हैं 9.25%, 1 ईयर के लिए 10.50%, 2 ईयर के लिए आपको 11.25%। बैंक इज कोटिंग 6 × 12 एफ आर ए 12% एंड 12.50%। ये 12% और 12.50% क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप बैंक से पैसा बोरो करोगे, एफआरए बाय करोगे, तो 12.50% इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अगर एफआरए सेल करोगे, मतलब बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आप एफआरए लोगे, तो 12% के लिए होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहली केस में क्वेश्चन ये पूछी जा रही है, इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, क्या कोई आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है? फ्रॉम द रेट कोटेड अबव क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ द आर्बिट्रेज इफ एनी, अगर कोई आर्बिट्रेज है तो कोई उसकी क्वालिफाई करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज योर आंसर बी चेंज इफ द कोटेशन इज अ बैंक लाइक दिस, अगर ये होगा तो क्या आंसर चेंज होगा, ये इसके बारे में आपको आंसर देना। अब हम इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है यहां पे पीरियड, यहां मीबोर। इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझिए, पीरियड मीबोर। पीरियड आपका दिया हुआ है 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर
टू ईयर यहां पे 8.5%, 9.25%, 10.50%, 11.25%. Bank is quoting. Bank quoted 6 × 12 FRA. 12% माइन 12.50%. 12% का मतलब होता है FRA सेल सेलर दैट इज डिपोजिटर विल रिसीव एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%. 12.50% का मतलब होता है FRA बायर बायर दैट इज बोरोवर विल हैव टू पे एट द रेट ऑफ 12.50%. बोरोवर को पे करना पड़ेगा 12.50% पे. अब इस केस में हम क्या करेंगे, आपका 6 × 12 FRA निकालेंगे जो आपका फेयर होना चाहिए. तो 6 × 12 FRA कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा. 6 × 12 FRA यहां से निकलेगा. फिर हम इसे हम कंपेयर करेंगे, फिर हम इसे कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो जैसे हमारे पास इसकी सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इसकी सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे देखिएगा. तो सर ये आपका सबसे पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट लेंगे, ये पीरियड, और फिर हम यहाँ पे 6 मंथ पीरियड लेंगे. ये 6 मंथ पीरियड, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट 10.50% पर एनम, और 6 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है 9.25% पर एनम है, 9.25% पर एनम है. अब हम ये फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं कि भाई साहब इस 6 मंथ के लिए, इस 6 मंथ के लिए क्या होगा इंटरेस्ट, इस 6 मंथ के लिए. अब उस 6 मंथ के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पे हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे. ये 6 महीना के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा, FRA निकालेंगे, FRA निकालेंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम बोरो कर सकते हैं या आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे, और वर्किंग नोट में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ 6 × 12 फेयर FRA. जैसी आपकी मार्केट में इंटरेस्ट दिया हुआ है, जैसे आपकी मिबोर की वैल्यू दी हुई है 6 मंथ का, 1 ईयर का 6 × 12 FRA निकाल. अब देखिए 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट ऑफ फॉर 6 मंथ पीरियड वन प्लस FRA फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, 6 मंथ इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर. 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट होगा जो लिखेंगे. अब देखिए यहां पे 1 प्लस 0.0925 पर एनम इंटरेस्ट रेट, लेकिन 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल है, तो डिवाइडेड बाय 12 × 6 फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस FRA 6 मंथ के लिए है तो डिवाइडेड बाय 12 × 6 1 प्लस 0.1050 डिवाइडेड
बाई 12 × 12 क्योंकि वन ईयर के लिए है, तो 6 × फॉरवर्ड रेट क्या होगा, 6 × फॉरवर्ड रेट, तो एफ आर ए आपके पास आएगा 1 + 0.1050 होल डिवाइडेड बाई 1 + 0.0925 डिवाइडेड बाई 2 -1 × 2 -1 × 2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0.925 डिवाइड 2 प्लस 1 इंटू 1.1050 -1 × 2 11.23%, 0.1123 दैट इक्वल टू 11.23%। तो दिस इज अ फेयर फॉरवर्ड रेट 11.23%, दिस इज द फेयर फॉरवर्ड रेट, दिस इज फेयर फॉरवर्ड रेट 11.23%, दिस इज द फेयर फॉरवर्ड रेट 11.23%, दिस इज द फेयर फॉरवर्ड रेट 11.23%। फेयर फॉरवर्ड रेट दैट इक्वल टू फेयर 6 × 12 एफ आर ए 11.23%। व्हाट दिस मींस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देखिए, आप सबसे पहले आप समझिए, हमारे पास जो टाइम पीरियड वो था वन ईयर के लिए, मीबोर फॉर वन ईयर 10.50%, मीबोर फॉर 6 मंथ, मीबोर फॉर 6 मंथ के लिए 9.25%। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वन ईयर के लिए 10.50% पे इन्वेस्ट करता हूँ, अगर वन ईयर के लिए 10.50% पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो पहले छह महीना इंटरेस्ट 9.25% होगा। पहले छह महीना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे, अगर मैं इन्वेस्ट वन ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 10.50, तो पहले छह महीना हमारा 9.25% होगा, 9.25%, और अगले छह महीना का इंटरेस्ट एप्लीकेबल कितना होगा, 11.23% होगा। अगले छह महीने का इंटरेस्ट 11.23% हमें मिलेगा, 11.23% मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, प्लीज आप कंसेंट्रेट कीजिएगा, 11.23%, तो फेयर एफ आर ए का मतलब क्या होता है उसको लिख कर मैं बताता हूं आपको। फेयर एफ आर ए 11.23% मींस इफ वी डिपॉजिट 10.50% पर एनम फॉर वन ईयर, फॉर 12 मंथ, इट मींस वी विल गेट interest for first six month at the rate of 9.25%, and next 6 month at the rate of 11.23%। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअल एफ आर ए क्या हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर हम 10% यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 10.50% पे, 10.50% पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले एक साल 10.50% पे कमाएंगे, पहले एक साल 10.50% पे इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले छह महीना हम 9.25% पे कमाएंगे, पहले छह महीना हम 9.25% पे कमाएंगे, और उसके बाद के
महीना 11.23% कमाएंगे, उसके बाद के 6 महीना 11.23% कमाएंगे, उसके बाद के 6 महीना 11.23% कमाएंगे, ठीक है। अब आप चलिए, पहले 6 महीना 9.25% कमाएंगे, उसके बाद के 6 महीना 11.23% कमाएंगे, इसका मतलब ये होगा। अब देखिए एक्चुअल 6 × 12 FRA, सर हमारे पास 12% है, 12% है और 12.50%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस पे केस फर्स्ट में ले रहा हूं, केस फर्स्ट में ले रहा हूं। मैं आपको 1 ईयर के लिए, या मैं आपको बोरोड करता हूं, केस फर्स्ट बोरोड फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ, बोरोड फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 9.25%। इन एंड इन्वेस्टेड it for 1 year at the rate of 10.50% per annum, यहां पे भी per annum, यह केस देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखिए हमने 6 महीने के लिए बोरो किया 9.25%, उसको इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए 10.50%, तो पहले 6 महीना हम 9.25% इंटरेस्ट देंगे लो रेट पे, और उसको 6 महीने के बाद पैसा वापस करनी है, तो 6 महीने के बाद वापस करनी है, तो एक्चुअल एफआरए बोरो करेंगे, बाय करेंगे, तो एक्चुअल एफआरए जो बाय करेंगे, तो बाय करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट कितना परसेंट पड़ेगा, हम एफआरए बाय करेंगे एक्चुअल तो 12.50% कॉस्ट पड़ेगा, जबकि हम एक्चुअल कमाएंगे कितना अगले 6 महीना में 11.23% कमाएंगे, पहले 11.23% कमाएंगे। इसका मतलब आप समझिए एकदम अच्छे से, हमने आपको, मैंने कहा कि हमने बोरो किया 6 मंथ के लिए इतने पे बोरो किया, इस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए इतना पे, 1 साल के लिए हमने इतना पे इन्वेस्ट किया, तो जब इन्वेस्ट करेंगे इतना पे, इन्वेस्ट करेंगे इतना पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो चीजें होता है कि फर्स्ट 6 मंथ हमने कितना का, फर्स्ट 6 मंथ हमने कॉस्ट हमने कमाएंगे कितना 9.25% जो चला जाएगा वहां पे, नेक्स्ट 6 मंथ हम कितना परसेंट कमाएंगे, नेक्स्ट 6 मंथ हम कितने परसेंट कमाएंगे, हम नेक्स्ट 6 मंथ जो कमाएंगे 11.23% कमाएंगे, 11.23% कमाएंगे। अब देखिए आप, हमें 6 महीने के बाद इस पैसे को वापस करनी है, हमें 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ वी हैव टू रिपे दिस मनी, आफ्टर 6 मंथ वी हैव टू रिपे दिस मनी, हमें 6 महीने के बाद इस पैसे को वापस करनी है, तो इस पैसे को वापस करने के लिए बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं से पैसे वापस करना है, बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा हमने डिपॉजिट कराया है 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कराया है, तो 6 महीने के बाद जो पैसा ये वापस कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 × 12 FRA हमें बोरो बाई करना पड़ेगा, दैट इक्वल टू हमें बोरो करना पड़ेगा, बोरोड जो इस जो ये वाली अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 12.50%, तो नेक्स्ट 6 मंथ हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है 12.50% कॉस्ट पड़ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 12.50% पे कॉस्ट पड़ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ हमारी कॉस्ट जो पड़ रही है 12.50% कॉस्ट पड़ रही है, हमारी जब कॉस्ट हमारे पास 12.50% कॉस्ट पड़ रही है,
हमारा जो यहाँ पे जो केसेस है, हमारी जो अर्निंग है वो कितने परसेंट से 11.2% है नेक्स्ट 6 मंथ का, इसीलिए हम इस केस में आर्बिट्रेज नहीं कर सकते, इस केस में आर्बिट्रेज नहीं कर सकते। अब हम इसका डिसीजन कैसे देंगे? डिसीजन डिसीजन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ इज 12.50% इज हायर देन हायर देन रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ, इन नेक्स्ट रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ 11.23%। हेंस देयर इज नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज, देयर इज नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज। सर यहां पे आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज। सर इस केस में आर्बिट्रेज की स्कोप नहीं है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, केस सेकेंड, केस सेकेंड को डिस्कस करेंगे। बोरोड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10.50% पर एन, इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 9.25% पर एन, इंटर इंटू 6 × 12 FRA 12%, 6 × 12 FRA 12%, दैट इज सेल 6 × 12 FRA एट द रेट ऑफ 12%। इट मीन्स यू इंटर इंटू एग्रीमेंट, इंटर इंटू एग्रीमेंट टू डिपोजिट आफ्टर 6 मंथ, टू डिपोजिट आफ्टर 6 मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ 12%, डिपोजिट आफ्टर 6 मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एट द रेट ऑफ 12%। टू इंटर इट मीन्स टू इंटर इंटू एग्रीमेंट, फॉरवर्ड इट एग्रीमेंट टू इंडिविजुअल। इस केस में देखिए अगर ऐसे किया तो, ऐसे किया तो पहले 6 मंथ हम कितने परसेंट का हमारी कॉस्ट लगेगी, 11.25%। नेक्स्ट 6 मंथ हमारी फॉरवर्ड रेट, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट कितनी आई है, 11.23% हमारा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है। अगर हम बोरो करते हैं, बोरोड अगर हम बोरो करते हैं 10.50% पे, तो अगर हम बोरो करते हैं 10.50% पे तो
पहले 6 महीना, first 6 month, ये क्या हुआ, first 6 month, ये है next 6 month, बोरो करते हैं 10.50% पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पहले 6 महीना 9.25% कॉस्ट लगेगी, दूसरे 6 महीना हमारे पास 11.23% कॉस्ट लगेगी, जबकि हम दूसरे 6 महीना हम कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इंटर कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 12% पे, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 12%, इसीलिए हमारी आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है, इस केस में हमारी आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है। डिसीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिसीजन कॉस्ट फॉर बोरोइंग इन नेक्स्ट 6 मंथ इलेवन पॉइंट टू थ्री परसेंट, डिपॉजिट रेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ हमारे पास कितनी है 12%, हेंस इट इज बेटर डिसीजन द डिसीजन टू टेक 6 मंथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, 6 into this forwarded agreement and to take 6 month forwarded agreement, arbitrage की possibilities and arbitrage is possible, arbitrage is possible, calculation of arbitrage profit, प्रॉफिट टेकिंग $1 एज लोन, $1 या रुपी वन ले लीजिए, रुपी वन लोन फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10.50%। Amount required to pay, step 1, amount required to pay after 1 year, 1 plus 0.1050 rupees 1.1050। Step 2, amount received due to investment in 6 months, 6 months में के बाद जो आप इन्वेस्ट करें उससे, तो ₹1 आपने इन्वेस्ट किया, 1 plus 0.092 divided by 12 into 6, ये रुपीज दिस 0.925 divided by 2 plus 1 1.04625। इस पैसे को नेक्स्ट 6 मंथ 12% पे इन्वेस्ट किया गया। Step 3, अमाउंट रिसीव्ड यहां से निकाला गया और फॉरवर्ड एग्रीमेंट इंटर किया, अमाउंट रिसीव्ड इन नेक्स्ट 6 मंथ ड्यू टू सेल 6 into 12 forward rate agreement at the rate of 12%,
1.04625 1 + 0.12 / 12 × 6 × 1.06 ₹1.1090। अब आपको देखिए 1.1090 आपके पास आया, इतना आपको पे करनी है, तो आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। स्टेप थ्री, आर्बिट्रेज गेन। सर आपके पास आया 1.1090, आपका गया 1.1050, 0.0040 ये आर्बिट्रेज गेन हो। ठीक है, पहली पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। किस केस में आर्बिट्रेज गेन होगा, किस केस में आर्बिट्रेज गेन नहीं होगा, वो दोनों चीजों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और यहां बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब आपका केस, एक और केस है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन की सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वह क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखी हुई है, सेकंड पार्ट पर ये उन्होंने कहा कि इज योर एस्टिमेशन चेंज इफ द रेट ऑफ कोटेशन ऑफ बैंक 6 × 12 / 8, ये वाली रेट होने वाली। अब 6 × 12 FRA 11 × 11.50% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 11% आप डिपॉजिट करेंगे, बाई सेल करेंगे 11% पे, बोरो करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी, 11.50%। ये मार्केट में एक्चुअल एफआरए चल रहा, एक्चुअल एफआरए चल रहा, तो एक्चुअल एफआरए ये है, तो क्या आर्बिट्रेज का स्कोप है। अब सुनिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल 6 × 12 FRA 11% 11.50%। अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो ये वाला रेट आपको मिलेगा, अब 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने के लिए 6 × 12 FRA का, 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने के लिए। अगर आप बोरो करेंगे, डिपॉजिट रिसीव बोरोड करेंगे, तो बोरोड कॉस्ट ये होगा अगले 6 महीने के लिए। मींस हम क्या करेंगे, 6 महीने के बाद, अगले 6 महीने के लिए। ये पहले 0 पीरियड है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, तो इस पीरियड के लिए नहीं, हम अगले 6 महीने के लिए, ये पीरियड आपके पास आ रहा है। अब देखिए एक्चुअल क्या है, यहां पे हमारे पास जो रेट है उस केस में क्या है वो देखिए, हमारे पास जो रेट है वो ऐसा है। सर यहां पे 6 महीना पीरियड ये होगा, यहां पे अगले 6 महीना, माने आपको ये 12 महीना हो गया, दैट इज अ 12 मंथ, दैट इज अ 6 मंथ, तो ये पहले 6 मंथ है, ये दूसरा 6 मंथ है। हमारी जैसी कैलकुलेशन हुई है तो उसमें ये 10.50% से यहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये पहले में कितना 9.25%। और जो सही एफआरए है, जो सही एफआरए है वो यहां से यहां मंथ के पीरियड में 11.23% आया है, जो रियल एफआरए है, जो रियल एफआरए है 11.23%।
अब आप मान लीजिए केस फर्स्ट आप डिस्कस कीजिए। हमने फर्स्ट केस को डिस्कस किया, आप समझिए फर्स्ट केस को डिस्कस किया कि हमने वन ईयर के लिए बोरो किया, बोरो एट द रेट ऑफ 10.50%। हमने वन ईयर के लिए बोरो किया 10.50%, तो हमारी एक साल की कॉस्ट अगर वन पे तो 10.50%, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले छह महीना हमारी कॉस्ट लगेगी 9.25%, दूसरे छह महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 11.23% कॉस्ट लगेगी। बोरोड हमने किया एक साल के लिए 10.50 का मतलब बोरो किया वन ईयर के लिए 10.50% का मतलब हुआ कि पहले छह महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 9.25% और दूसरे छह महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 11.23%। तो पहले छह महीना हम कमाएंगे कितना, पहले छह महीना हम कमाएंगे 9.25%, दूसरे छह महीना हम कमाएंगे 11.23%। नहीं, हमारी पहले छह महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 9.25%, तो हम 9.25% इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे, दूसरे छह महीना फिर हम डिपॉजिट करेंगे तो कितने परसेंट कमाएंगे, डिपॉजिट रिसीव्ड एट द 11%, जबकि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 11.23%। देखिए हम अगर बोरो करेंगे वन ईयर के लिए 10.50% पे, तो पहले छह महीना हम कमाएंगे कितना 9.25%, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे सेल करेंगे तो यहां पे हम कमाएंगे 11%, जबकि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है 11.23% लग रही है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं। दूसरी केसेस को हम डिस्कस करेंगे, अगर मैं क्या करता हूं बोरो करता हूं 9.25% पे फॉर 6 मंथ, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10.50% फॉर वन ईयर, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10.50% फॉर वन ईयर, तो बोरो करेंगे 9.25% फॉर 6 मंथ, इन्वेस्ट करेंगे 10.50% फॉर वन ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले छह महीना 9.25% आपका कॉस्ट लगेगा, तो चलो दे दिया। नेक्स्ट आपने कमाएंगे कितना तो 11.23% कमाएंगे, क्योंकि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट 11.23%। लेकिन जो बोरो किया हुआ है इसके पैसे को वापस करने के लिए आप एक्चुअल फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में इंटर करेंगे और वहां से बाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 11.50% कॉस्ट पड़ेगी, जबकि पे करना पड़ेगा अपने कमाएंगे यहाँ पे कितने 11.23%। तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं, यहाँ पे भी आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं, नो। तो दोनों केसेस को मैं आपको सामने डिस्कस करता हूं। यहां पे केस फर्स्ट आ गया, बोरोड एट द रेट ऑफ 10.50% फॉर वन ईयर, पहला। एंड इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9.25% फॉर 6 मंथ, पहले छह महीना आपको 9.25% कमाएंगे। डिपॉजिट इंटू 6 × 12 FRA इन नेक्स्ट 6 मंथ
मंथ। नेक्स्ट सिक्स मंथ अगर इस पे आप डिपॉजिट करते हैं तो कितना परसेंट कमाएंगे? 11% पे, एट द रेट ऑफ 11%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन नेक्स्ट सिक्स मंथ इज 11.23% पर एन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन नेक्स्ट सिक्स मंथ इज 11.23% पर एन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन नेक्स्ट सिक्स मंथ 11.23% पर एन। हियर कॉस्ट इज हायर देन रिटर्न, हेंस आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल। इस केस में आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब केस सेकेंड, बोरोड फॉर सिक्स मंथ एट द रेट ऑफ 9.25% फॉर फर्स्ट सिक्स मंथ, and invested it for 1 year at the rate of 10.50%, earning for first 6 months is 9.25%. Earning for next 6 months is, देखिए next 6 months का आपकी earning कितनी हुई जो actual forward rate है, तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट आपके पास कितने? 11.23%, 11.23%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, 6 महीने के लिए बोरो किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने वाली पैसा वापस करनी है, तो 6 महीने वाली पैसा वापस करनी है तो उसके लिए हम बोरो करेंगे अगले 6 महीने। हमने यहाँ पे 6 महीने के लिए बोरो किया 9.25% पे, हम यहाँ पे 1 ईयर के लिए हमने इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया? 10.50% पे इन्वेस्ट किया हमने, 9.25% पे हमने बोरो किया, 9.25% पे बोरो किया हमने, इन्वेस्ट किया यहाँ पे कितना? 10.50% पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 6 महीना के बाद हमें पैसा वापस करनी है, तो पहले 6 महीने के बाद जो पैसा वापस करनी है उस पैसे को कहां से वापस किया जाएगा? तो हम बाई करेंगे 6x12 फॉरवर्ड रेट, बाई करेंगे मींस बोरोइंग करेंगे, तो उसके लिए बोरोइंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है? बोरोइंग करेंगे तो उनकी कॉस्ट है 10.50%, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन नेक्स्ट सिक्स मंथ फ्रॉम एक्चुअल 6x12 फॉरवर्ड रेट 11.50%,
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हायर देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हायर देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हायर देन अर्निंग हेंस नो आर्बिट्रेज कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं है। जब ऐसी एफआरआई होगा तो कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होगा। जब एक्चुअल एफआरआई ये होगा तो कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होगा। एक्चुअल एफआरआई ये है तो कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होगा, ये मैंने प्रूव किया। जब एफआरआई एक्चुअल ये था, ये था, तब आर्बिट्रेज का स्कोप। एक्चुअल एफआरआई ये है तब इस केस में आर्बिट्रेज का स्कोप है जो मैंने बताया। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, यू मस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन बिफोर एग्जाम। आप जरूर इस क्वेश्चंस को बनाइए। अगर कोई भी आपको डाउट आती है तो आप मुझे कंसल्ट करें इस नंबर पे 9312606737। इस नंबर पे आप मुझे कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ अपीयर होंगे।